जोनर संगवारी मोड ब्लॉग में आपन के स्वागत है। और आज जो है, आज के जो विषय है सुरक्षित शनिवार मॉक ड्रिल कैसे करें। तो मॉक ड्रिल कैसे करें, इसके बारे में आज हम बच्चों को जानकारी देने वाले हैं। और अपने आप को अगर कोई घटनाएं घट रही है, कहीं हम बिल्डिंग में हैं तो वहां पर हम वहां से कैसे हम बाहर निकलें, इसके बारे में आज हम बच्चों के साथ चर्चा करने वाले हैं। बच्चों को एक मॉक ड्रिल करके बताने भी वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही ऐसे गतिविधियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। हमारा क्या है विषय जो है सुरक्षित शनिवार के बारे में, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मॉक ड्रिल कैसे करें, ठीक है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, नकल करना, दिखावती कार्य करना। मतलब कोई भी जैसे घटना हो जाती है या कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल कैसे करें। तो मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, नकल करना हो जाता है, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया। अब मॉक ड्रिल हम कैसे करेंगे और किस लिए मॉक ड्रिल करें, क्योंकि हम सुरक्षित शनिवार के बारे में पढ़ रहे हैं ना। मतलब आज हम जानकारी जो ले रहे हैं वो बैगलेस डे है और बैगलेस डे में हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित शनिवार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मॉक ड्रिल किस लिए करें, है ना, हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, उसके लिए ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, ठीक है। और आज का मॉक ड्रिल जो रहेगा, जैसे देखते हैं भूकंप आता है ना, तो भूकंप जैसे आ जाता है तो भूकंप आने पर क्या करते हैं, क्या करेंगे, जहां पर भूकंप आता है तो जैसे हम इस बिल्डिंग में हैं, है ना, इस बिल्डिंग में है तो हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं कि नहीं भागते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर निकले वहां से। तो भूकंप आएगा तो हम क्या करेंगे, भागेंगे। लेकिन कैसे भागना है और कहां भागना है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, आज मॉक ड्रिल का जो विषय है इस पर चर्चा किया जा रहा है। के लिए हम जैसे देख रहे हैं कि कहीं भूकंप आता है और भूकंप आ रहा है तो इस बिल्डिंग के अंदर हम हैं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के अंदर है और हमको बहुत कम समय में क्या करना है, बाहर जाना है। तो इसके लिए हम तैयारी क्या करें, यहां से बाहर जाने के लिए यहां पर अगर रुके भी हैं तो हम यहां पर तो अभी कम बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं स्कूल में या कहीं भी आप हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहे तब क्या करोगे, क्योंकि कम समय में तो नहीं निकल पाओगे क्या, स्कूल बड़ा होगा या कोई बिल्डिंग बड़ा होगा, उस समय हम अपनी जान कैसे बचाएंगे, इसी का मॉक ड्रिल है। समझ में आया। जैसे इसके लिए हम पहले तैयारी क्या करें, तो पहले तैयारी ये होना चाहिए हमारा कि हमारे जो स्कूल है वहां पे एक बेस का, जैसे आपका शॉर्ट रिसेस होता है या फिर आपका लंच होता है या फिर आपकी छुट्टी होती है, जैसे पीरियड होता है तो वहां पे घंटी बजती है जी। तो घंटी जैसे बजती है, टन कर घंटी बजती है ना जी। लेकिन हम मॉक ड्रिल अगर करते हैं या फिर ऐसी कोई घटनाएं घट जाती है तो उस टाइम में हमारा जो बेल का जो आवाज होगा वो कोई अलग होना चाहिए। कोई भी सायरन अगर बजाते हैं तो वो आवाज अलग होना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि कोई घटना हो गई है या कोई घटना का अंदेशा हमको मिला है ना, सूचना प्राप्त हुई, तो हमको क्या करना है, तुरंत यहाँ से बाहर जाना है या छिपना है या हमें अपने या एक सुरक्षित स्थान पर हमको जाना है। समझ में आया जी। तो ऐसा करने के लिए हम कोई एक बेल हमको बजाना होगा, जैसे आप सुने होंगे पुलिस का अलार्म सुने ना जी। पुलिस वाले जो वैन जहां जाती है गुजरती है ना, या फिर आपने उसका भी सुने है क्या, एम्बुलेंस का जी। समझ में आता ना, पुलिस पुलिस वालों का जो वैन होता है उसका जो आने होता है, सुने ये बता, सुने है तो उनके उसके बजने से आपको पता चलता है कि नहीं चलता है कि पुलिस का वैन यहाँ से गुजरा है या फिर एम्बुलेंस इधर से गुजर के गया है। समझ में आता है ऐसा जी। कैसे समझते हो इसको, आवाज से, है ना जी। तो उसी प्रकार से जब हम मॉक ड्रिल अभी करने वाले हैं तो मॉक ड्रिल के लिए सबसे पहले हमको तैयारी चाहिए होता है। तो तैयारी सबसे पहले एक विशेष अलार्म की क्या होना चाहिए हमारे पास, एक विशेष अलार्म या सायरन होना चाहिए या एक बेल होना चाहिए हमारे पास, है ना, जिसके बजने से हमको पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ घटना घटने वाला है या फिर उसे पता चल जाए कि यहाँ कोई घटना घट चुकी है, तो तुरंत हमको वहां को छोड़ के क्या करना है। अब दूसरी चीज है,
घंटी बज गई, अब हमको कहां कहां जाना है या तुरंत बाहर जा सकते हैं तो हमको बाहर जाना है, अगर हम वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमको कोई सुरक्षित जगह पर जाना है। तो सुरक्षित जगह पर जाने का मतलब क्या है? सुरक्षित जगह पर जाने का मतलब या सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे कोई टेबल रखा है और अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, टेबल रखा है, टेबल देखो ना जी, टेबल अगर रखा है यहां पर ऐसे और आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा पा रहे हो या उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, तो हमको क्या करना है? कुछ लोगों को हमको टेबल के अंदर छिप जाना है। समझ में आया? तो पहला ये कि हम अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो हम कहां कहां जाकर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर कहीं कॉर्नर है, कॉर्नर पे अगर टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? वहां पर जाकर अपने आप को बचाना है या छुप जाना है। समझ में आया? और कहीं ऐसा आपको लगता है जहां पर हम जाकर बच सकते हैं? अगर आपके पास कोई चीजें हो, है ना, तो उसको अपने सर को ढक के आपको क्या करना है? बैठ जाना है। क्या करना है? कैसे बैठना है? ऐसे सर को ढक के आपको बैठ जाना है। टेबल भी है, सर को ढकने का मतलब क्या है? अगर हमारे सर पे कहीं आपको चीजें गिर जाती है, बिल्डिंग का जो ये मलबा है अगर हमारे ऊपर गिर जाता है तो हमारे सर फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा। सर फटेगा तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सारा जो चीज होता है वो हमारे सर से ही होता है, है ना। और बिल्डिंग से जितनी दूर हम जा सकते हैं उतनी दूर जाकर हमको खड़े हो जाना है। समझ में आया? इससे क्या होगा कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाइमिंग रहता है, मॉक ड्रिल का भी एक टाइमिंग होता है, मतलब मॉक ड्रिल तो एक नकल है लेकिन वास्तविक में ऐसी कोई घटना हो जाती है, वास्तविक में मतलब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसी के लिए क्या कर रहे हैं? हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी सिर्फ ऐसा है कि हमको क्या करना है, 2 मिनट में हमको इस बिल्डिंग को खाली कर देना है, 1 मिनट में हमको बिल्डिंग को खाली कर देना है, मतलब बेल बजने से तुरंत हमको क्या करना है? तुरंत बिल्डिंग छोड़ के भागना है, हमको कहीं कुछ नहीं देखना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हमको इधर नहीं देखना है, तुरंत हमको बिल्डिंग से निकल के भागना है। अब बिल्डिंग से निकलने का भी आपको क्या करना है? एक ही गेट है ना, कहीं कहीं 2 गेट 4 गेट 5 गेट भी होता है, समझ में आ रहा है? अब आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा गेट जो है सबसे आपके नजदीक है, कौन सा गेट जो है आपके सबसे नजदीक है। अगर 4 गेट है, कितने गेट है? 4 गेट है, 1 गेट जो है आपके बहुत नजदीक में है, वो 50 मीटर पे है, ठीक है, कितने मीटर पे है? 50। एक जो गेट है आपके 100 मीटर पे है, ठीक है, कितने मीटर पे है? 100। और एक जो है आपके 150 मीटर पे है, कितने मीटर पे है? और एक जो गेट है वो 400 मीटर पे है। तो कौन से गेट से भागोगे बताओ? 50। कौन से गेट से भागोगे? 50। क्यों भागोगे 50 मीटर जो दूर है वो उस गेट से? हाँ, क्योंकि आप बहुत जल्दी उस गेट से निकल पाओगे, आपको हम पहले सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी हमें, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पास वाले गेट कौन सा है, सबसे पास वाली जो निकासी है वो कौन सा है, वहीं से हम भागेंगे। घंटी होना चाहिए, बेल बजना चाहिए, हमारे यहाँ बेल की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, छुपने की जगह आप क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे कि हमें क्या कहाँ हम छुप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरा है ना, ये छिपने की जगह है ना, छिपने की जगह, और तीसरा निकलने की जगह, बाहर जाने की जो रास्ता है ना, बाहर जाने के जो रास्ते हैं वो पता करने हैं। क्या करने हैं? बाहर जाने के रास्ते। अब रास्ते तो कई है, मैंने कितने रास्ते बताए, 4 रास्ते। हम अपने साथ कोशिश करेंगे, हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर लेके जा सके, समझ में आया? कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक लोग ही बाहर ना निकले, हम कोशिश करें कि हमारे साथ और जो लोग हैं वो बाहर निकले। लेकिन टाइमिंग का भी हमको ध्यान रखना है कि हम उस टाइमिंग तक, जैसे 1 मिनट में हमको खाली करना है, 2 मिनट में हमको खाली करना है, तो उस टाइमिंग तक हम बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो उसको भी हमको क्या करना है, आप लोगों को, कुछ लोगों को क्या करना है, आपको बताना है, छिप के बताना है कि हम यहाँ पर हम छिप सकते हैं। ऐसा पुस्तक वगैरह को ऐसे ढक के रख सकते हो अपने सीट पे, अपने हाथ को ऐसे ढक के रख सकते हो, हाथ टूटेगा चलेगा,
हाथ टूट जाएगा चलेगा, लेकिन सर फट जाएगा तो नहीं चलने वाला है, समझ में आया ना? हाथ पैर में अगर कुछ चोटें आ जाती है तो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन सर पर जो चोट आएगा वो बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होता है, है ना? और हो सकता है कि इससे किसी की मृत्यु भी हो जाए। सभी अभी क्या किए, सारे लोग अभी निकल गए है ना, क्योंकि पास में है गेट, बहुत पास में है और टाइमिंग भी कम लगा है ना। लेकिन हो सकता है कि आपको रुकने का भी मौका मिल जाए, मतलब आप नहीं निकल पा रहे हो भीड़ के कारण से, है ना? तो अपने आप को कैसे बचाओगे? तो कहीं किसी कहीं कहीं पे आपको क्या करना है, है ना? तो उसकी भी ठीक है। तो मॉक ड्रिल करने करना समझ में आया ना आप लोग को? जी। आया कि नहीं आया? आया, आया सबको? जी। तो ऐसे हम मॉक ड्रिल कर सकते हैं, और मॉक ड्रिल करने है कि अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो आप सतर्क रहोगे, मतलब अपने आप को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो? बचा सकते हो ना? जी। तो इतनी जानकारी काफी है। जी। तो ये रहा आज का जो विषय है, सुरक्षित शनिवार में मॉक ड्रिल कैसे करें, ठीक है।